बड़ी आम तरीन रुकन जी नून लीग के हमारे साथ मौजूद है। तहमील साहब अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। क्या हालात हैं पार्टी के इस वक्त, किस तरह देख रही हैं, और पीपल्स पार्टी नून का दोबारा इकट्ठे होना किस नजर से देखती हैं, क्या नतीजा निकलेगा? अच्छा, मैं इस वक्त हालात जो बन रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा। जिस तरह हम लोगों ने उस वक्त, मैं वाइस प्रेसिडेंट थी एआरडी की, और जिस तरीके से हम सबको इकट्ठा करके और मिल के हमने जमहूरी एक फाइट की थी, और 7.5 साल वो फाइट रही थी, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ वापस आए थे और अपने मुल्क को उन्होंने जगजहद करके और जो मुल्क में तरक्की आई थी, तो उसके वही स्टेप्स फिर से हमें उठाने पड़ेंगे। इनको तो ना हुकूमत करनी आती है, ना हुक्मरानी करनी आती है, ना इकोनॉमिकली इस मुल्क को चलाना आता है। इस वक्त मुल्क एक बड़े मुश्किल दौर में। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा बयान दिया है कि सारी इमदाद सपा सलार को देख के मिलती है, और इलेक्शन से पहले वो इमरानी माहिदों की बात करते थे, और इमरानी माहिदों की बात इलेक्शन से पहले करते थे, और अब कहते हैं कि जनरल साहब को देख के सारी इमदाद मुल्क से मुल्क को मिलती है, और नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला के नैरेटिव पे जेल में बैठे हैं। तो ये आप तो बड़ी सीनियर हैं, इस पर क्या तबसरा है? देखिए, बात मैं आपको एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ, जरा गाड़ी रोकिए। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ एक हमारे जमहूरी हेड हैं, और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों की एक ही पॉलिसी है, और उन दोनों की पॉलिसी सिर्फ एक है, और उस पॉलिसी के अंदर एक यकजहती है कि जब तक जमहूरी तौर पर हम सब इकट्ठे नहीं होंगे और मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, आपको वो इमदाद नहीं मिल सकती इस मुल्क के अंदर। और इमदाद सिर्फ मिलनी नहीं होती, एक इमदाद को लेकर सही तरीके से चलाना होता है कि इस मुल्क के अंदर तरक्की हो सके। अच्छा, तो ये बयान नहीं फिर आपस में मिलते हैं, अगर आप कहती हैं जमहूरी तौर पर मिलते हैं, बयान का बड़ा फर्क है, और आप समझती हैं बयान की रूह को देखें तो कितना फर्क है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयान और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान, दोनों में बड़ा फर्क है? नहीं, कोई बयान में फर्क नहीं, ना भाइयों में फर्क है, ना किसी चीज में फर्क है। अगर आप गौर से देखें तो सब कुछ इकट्ठा। इतने गौर से आपका वोटर कैसे देख पाएगा, मैं तो चलो आपके कहने पे देख लेता हूँ। फिर से देख लीजिए। थैंक यू सो मच। बड़े अहम तरीन शख्सियत जी मियां मुजीबा शुजा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब मुझे बताइए, मियां साहब से आपकी मुलाकात हुई, मियां नवाज शरीफ साहब से, तो क्या डिस्कस हुआ है? जी, मियाँ साहब से मुलाकात ज़रूर हुई है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा अंदर रश है आज, काफ़ी ज़्यादा तादाद है, और बहुत छोटा सा एक वो कमरा है जिसमें मुलाकात का लिए, तो वो ज़्यादा देर तो नहीं, मगर उनसे खैरियत उनकी दरियाफ्त की है। अब उनकी सेहत पहले से बेहतर है, वैसे उनका जो है वेट कम हुआ है, कमज़ोर हुए हैं पहले से, मगर वो अपनी पूरी हाई स्पिरिट्स में हैं, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलहाक और इत्तेहाद पे जो आपस में कुर्बतें और प्यार की पींगें बढ़ रही हैं, लव स्टोरियां चल रही हैं ताज़ा, और उन पे कोई बात नहीं हुई? नहीं, वो तो जाहिर है, वो उस पे जो है हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे थोड़ी बहुत उनकी मुशावरत ज़रूर हो रही होगी मियाँ साहब की, मगर क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक तो रश बहुत है, अभी और भी लोगों ने मिलना था, तो वो टाइम इतना नहीं है, वो इतनी। शहबाज शरीफ साहब ने परसों जो गूगली करवाई है उसका कोई डिस्कस नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने फरमाया कि सपा सलार की वजह से इस मुल्क को एड मिलती है, तो जिनसे आप मिलके आ रहे हैं वो तो मुझे क्यों निकाला कि नैरेटिव पे अंदर गए हुए हैं, तो ये इस गूगली के बारे में भी कुछ डिस्कस नहीं हुआ? नहीं, जाहिर सी बात है टाइम नहीं है ना इतना, वो थोड़ा टाइम हो, को जगह हो तो बिल्कुल डिस्कस होती हैं ये चीज़ें, और बारह ये है कि वो अपने जो मौकफ है हमारा वो उस पर हम बिल्कुल कायम है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का जो मौकफ है एक ही है। बहुत शुक्रिया आपका मियां मरगूब साहब जी हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसी रही मुलाकात आपकी? जी रुकिए, अच्छी मुलाकात रही, मियां साहब के हौसले बुलंद हैं, और हम ये समझते हैं कि इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके, इस तरह पाबंदे सलासल करके जो मिशन और मंजिल है मियां नवाज शरीफ की, उससे नहीं हटाया। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इलहाक और मोहब्बत की पींगे जो है
इन पे कुछ डिस्कस नहीं हुआ? नहीं, देखें आधा की पीपल्स पार्टी और नून लीग का तल्लुक है, देखें अपोजिशन के अंदर रहते हुए अपोजिशन पार्टियों का अपना रोल होता है, तो उस नाते में पार्लियामेंट के अंदर एक अपोजिशन ने जो है वैसे स्ट्रेंज लाहे अमल बनाया, तो स्ट्रेंज बात तो है कि दोनों पार्टियों पे करप्शन चार्जेस हैं। नहीं ये बात देखें सबसे इस करप्शन चार्जेस ने दोनों को करीब किया है। सबसे ज्यादा करप्ट तो इस वक्त एक हुकूमत में जो इक्तदार में लोग बैठे हैं वो उनकी तादाद है जिन पे रेफरेंसेस भी हैं और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तो हकायक का खुद इमरान खान खिलाफ रेफरेंस है, उसको जो है कोई नहीं पूछता, अलीमा अबाजी को कोई नहीं पूछता, अलीम खान को कोई नहीं पूछता, बाबर अवान को कोई नहीं पूछता, और किस चीज़ का नाम लें भाई। और नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव थोड़ा मुख्तलिफ रहा है, शहबाज शरीफ साहब थोड़ी मुख्तलिफ बात हमेशा करते हैं, तो आप किसके ज्यादा नैरेटिव मियाँ नवाज शरीफ साहब का है और जो सिविल बालादस्ती की बात मियाँ नवाज शरीफ करता है, मैं समझता हूँ कि वह नून लीग की हर कारकुन की और हर एक की आवाज़ है और एक कौम की आवाज़ है कि सिविल बालादस्ती हो। सिविल बालादस्ती के लिए अमली तौर पर नून लीग क्या कर रही है? अमली तौर पर हम चीज सब कुछ इसीलिए जेलें काट रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा इलहाक और मोहब्बत की पींगे अरूज पे, क्या इस पे आपका तबसरा? बहुत शुक्रिया। देखें सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता और पॉलिटिकल पार्टीज का इतिहाद होना, इकट्ठे होना मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है, खुशाइन बात है। अगर बेहतरी आ सकती है तो इसमें इनको इकट्ठे होना चाहिए। और आप इमरान खान की हुकूमत को देखें, अब तक जितना वक्त गुजरा है 100 दिन उसने लिए थे, लेकिन क्या किया? अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया, बिजली महंगी की, गैस महंगी की, खाने पीने की आम अशिया जो आम आदमी की ज़रूरत है उनकी इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं, तो लोगों की तवक्कात जो थी वो ख़त्म हो गई हैं इसके साथ। अब फिर लोग नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी मुल्क। दोनों भाइयों के बयान दोबारा तब्दील हो गए, अब जो शहबाज शरीफ साहब का 2 दिन पहले वाला स्टेटमेंट आपको याद है कि उन्होंने कहा कि हमें तो सपा सलार की वजह से एड मिलती है, बैरून मुल्क जितनी भी दुनिया इमदाद देती है, और जिनको मिलने आप जा रही हैं नवाज शरीफ साहब वो फरमाते हैं मुझे क्यों निकाला, और बड़ा सख्त नैरेटिव था उनका, आपको पता है, याद है अच्छे तरीके से? याद है, ऐसी बातें होती रहती है ना, जब इस तरह के हालात हों, मुश्किल हालात हों, तो कोई भी बात, लीडर जो है वो भी तो आखिर इंसान है ना, उनको भी मुश्किलात होती हैं, उनको भी तकलीफ। इस तरह मैडम कन्फ्यूजन नहीं होती? नहीं हमें नहीं होती, हम समझते हैं कि आप तो चले वो लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी बनानी होती है, लेकिन जो व्यूअर है, देखने वाली पब्लिक है, वो क्या सोचती होगी, वो कन्फ्यूज हो जाती है। लोग अब पाकिस्तान के आदी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि मामूल की बातें हैं, जब ऐसे गैर मामूली हालात हों मुल्क में लोगों को, तो फिर वो अपने लीडर के साथ ही होते हैं, जो वो कह कहते हैं बस ठीक है। थैंक यू सो मच। गुजरांवाला से जी वकार चीमा, हाजी वकार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, MPA चीमा साहब सामने, क्या हाल है आपके? चीमा साहब मुझे ये बताइए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो दोबारा करीब आ रही है, तो क्या कुछ सरप्राइज़ भी मिल सकता है हुकूमत के लिए? देखो जी लीडर कर रहे हैं, जो होएगा आपके सामने आ जाएगा, जो हुकूमत कर रही है वो तो भी हुकूमत से आप मुतमईन है? जी मुतमईन किधर है, कोई भी मुतमईन नहीं है। कौन मुतमईन है? कोई मुतमईन नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान में? कोई भी मुतमईन नहीं है। जो परेशानियां वो आपके सामने है, आपकी क्यादत में भी तो लोगों के बयान नहीं मिलते, दोनों भाइयों के जो मेन रूलिंग एलीट है, मेन क्यादत है, उनके भी बयान में काफी तादाद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं, उनके आगे भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं और मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। दोनों भाइयों के क्यों नहीं मिलेंगे, मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की क्यादत में सारा कुछ एक है। बहुत शुक्रिया जी साहब। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की कुर्बत और बहुत कुर्बत किस नज़र से देखते हैं, क्या सरप्राइज दे सकती है? देखें देखने वाली ये सियासी कुव्वतें हैं, जब आप अपोजिशन में बैठते हैं तो एक टारगेट है आपका कि आपने हुकूमत वक्त को सीधी रास्ते पे रखना है, जहाँ जहाँ वो डाइवर्ट कर रहे हैं तो उनको उनके वादे भी याद दिलाने हैं, और साथ साथ अगर कोई वो ट्रैग आउट होते हैं तो उनको सीधा रखना है, तो इसलिए वो अपोजिशन जॉइंट होगी तो वो काम होगा, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक सरप्राइज़ वाली बात है तो सरप्राइज़ तो दोनों बड़ी तमाम तकरीबन पोलिटिकल जमातों का इस बात पर कंसेंसस है कि इस गवर्नमेंट को वक्त दे रहे हैं हम लोग कि ये काम करें, अगर डिलीवर कर सकते हैं तो करें, जो वादे इन्होंने कौम से किए हुए हैं, जो दावे किए हुए हैं, आया वो उस पर अमल करते भी हैं या नहीं करते, उसके लिए ये इनको टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए सरप्राइज़ वाली तो इसमें ऐसी बात है कोई नहीं। तो अपना सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको राह रास्त पर रखा जा सके, और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं
उससे इन्हें रोका जा सके। इसके अब अभी मियां साहब के पास जा रहे हैं तो उन्हें जाके ये तो डिस्कस होगा लाजमी कि छोटे मियां साहब ने दो दिन पहले बयान दिया है कि हमें जो इमदाद मिलती है वो तो सपा सलार की वजह से मिलती है, मुंतखब हुकूमत की वजह से नहीं मिलती। नहीं, वो मिलती नहीं है, वो स्पेसिफिक इस अब जो उसकी बात हो रही है कि इमरान खान साहब जब गए हैं पहले सऊदीया तो इन्हें तो कुछ नहीं मिला, उसके बाद सिपा सलार साहब गए हैं, इस तरह चाइना गए हैं, इस तरह यूएई गए हैं। वो जो अभी मेंटर साहब का भी बयान आया है कि जब भी अमेरिका को भी काम होता है तो उसे पाक फौज की तरफ देखना पड़ता है, तो वजह यही है कि सियासी कुव्वतें जो हैं या सियासी जमातें जो हैं वो खुद से जो अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था उस पर ये अमल करते, जो उसकी रूह थी उस पर एक्चुअल अमल करते तो वो ये रास्ता चेंज हो सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उस पर मुकम्मल तौर पर इस तरह के बयान से पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन प्रिवेल नहीं करती। नहीं, ऐसी पार्टी वर्कर्स के अंदर, आप लोगों के अंदर, आवाम के अंदर नहीं, ये आवाम जानती है, ये तो वो सच है जिसको आप मानते नहीं है, लेकिन हकीकत ये है। रेड़ी वाले से पूछ लें तो वो ये बताएगा। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब जिनके पास आप जा रहे हैं वो तो इस नैरेटिव पे अंदर गए कि मुझे क्यों निकाला, वो यही तो उसका कसूर है कि उसने ये कहा कि अब कौम को सिविलियन बालादस्ती की तरफ आ जाना चाहिए, उसने उन ताकतों को चैलेंज किया और उसकी वो सजा भुगत रहा है। तो सिविल सुप्रीमेसी के लिए नून लीग की क्या काविश है, अब तक बाहर रह के जो लोग जेलों में नहीं गए वो क्या काविश कर रहे हैं? ये एक पॉलिसी लाइन है ना, अगर हम लोग तो वर्कर हैं, कारकुन हैं, अगर हमारी पार्टी जेल जाना ही तो महराज नहीं है ना पॉलिटिक्स की, लेकिन उनको कौन सा किसी सियासत में, उनको तो उलझाया गया है, टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे केसेस खड़े किए गए हैं। अगर हमारी पार्टी फैसला करती है सड़कों पे आने का तो उसमें हम लोग सारे तैयार हैं। मियां साहब डील करके बाहर चले जाते हैं? नहीं, अब नहीं ना जा रहे, आप तो बाहर से वापस आ रहे हैं, एक मरतबा डील की और सीख लिया कि नहीं डील करनी, अब वो आए नहीं। अच्छा, वो वापस आए तो उनको यकीन दहानी करवाई गई कि करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, छोटे भाई एयरपोर्ट ही नहीं गए, एयरपोर्ट जो भी सिस्टम था नहीं जाने दिया गया, जो भी हुआ। डील तो चल रही है ना किसी शक्ल में? कहीं कोई डील नहीं चल रही, अगर डील चलनी होती तो आके बेटी समेत जेल में ना जाते वो, ये एक चूंकि कंस्पिरेसी थ्योरी और माजी में ये होता रहा है तो कौम आप भी। आप मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछिएगा कि वो एयरपोर्ट क्यों नहीं गए थे? वो तो कहते हैं कि हम एयरपोर्ट निकले थे जो हालात, वहां आगे नहीं जाने दिया गया। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया, एक कॉन्स्पिरेंसी है। थैंक यू सो मच। कल्चरल विंग की सदर मिसेज मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पंजाब की जो है। मिसेज मलिक, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या हालात आप पार्टी के देख रहे हैं और क्या बेहतरी आई है, क्या हालात बिगड़े हैं आपके नज़र में? इंशाल्लाह ताला जी बेहतरी अब आ रही है और आएगी, तो ये तो इकतदार में और सियासत में और पॉलिटिक्स में ये तो ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इस लाडले ने ना काम बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ख़राब कर दिया है। हुकूमतें तो सबको मिलती हैं, असल में ये 22 साल जो रहा है अपोजिशन में तो बेचारा धरनों में और कंटेनरों पे सोता रहा है, तो वही गुस्सा अब उसका अपना जो इंतकाम है वही निकाल रहा है अब हमारे लीडरों पे, वरना और तो कोई बात नहीं है आवाम आज। मिसेज मलिक, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत जब पूरी पावर में थी तो उस वक्त भी इमरान खान साहब धरना दे रहे थे और आपकी पूरी मशीनरी उन्होंने मफलूज कर दी थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, पार्टी बने, आपके लीडर को घर भेजा, तो आपकी कोई स्ट्रेटजी, कोई काम, कोई तदबीर, सारी चीज़ें फ्लॉप होती नजर आईं, क्या वजह इसकी? नहीं, फ्लॉप तो होती नजर नहीं है, बेसिकली हमारी जो पार्टी है ना, हमारी पार्टी है बड़ी मुदब्बराना से, ना हम धरनों पे यकीन रखते हैं ना हम इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, उसकी अपनी जो है वो अपनी कारकर्दगी, हमारी पीएमएलएन की अपनी कारकर्दगी है। देखो आज भी हमारा लीडर जेल में है तो हम अब कितने पुरअमन तरीके से हमारे वर्कर और सब हम आते हैं, एहतजाज करते हैं और ना कोई हम तोड़फोड़। मिसेस मलिक, पुरअमन तरीके से आप एयरपोर्ट भी जा सकते थे 13 जुलाई को जब मियां साहब गिरफ्तारी देने आए थे, नहीं गए? एयरपोर्ट हम गए हैं, क्यों नहीं गए? लेकिन कौन गया एयरपोर्ट? हमारे रास्ते रोके गए जी, तो कोशिश भी नहीं की जाने की? सारे ऐवान, सारे जो अदा, आप मुझे कोई एक बंदा बता दें कि शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में, हमजा साहब की क्यादत में एयरपोर्ट की तरफ कोई गया हो? नहीं, सब गए थे। असल में आप मीडिया वाले इसको ऐसे इशू बना रहे हैं, सब गए थे और सारे वर्कर निकले थे। थैंक यू सो मच। नून और पीपल्स पार्टी की कुर्बत क्या सरप्राइज दे सकती है? देखें जी, दोनों जमहूरी पार्टियां हैं और पाकिस्तान के लिए हर वो जमहूरी काम करेंगी जिससे पाकिस्तान की फलाह हो, पाकिस्तान की तरक्की हो। आप जानते हैं कि जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है और जो मुल्क के हालात हैं, जो जिस फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, आज हम लोगों के पास भीख मांगने जा रहे हैं, कोई हमें भीख नहीं दे रहा। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये दोनों जमहूरी पार्टियाँ अगर इकट्ठी होकर जमहूरियत के लिए जदोजहद करें, मुल्क में जमहूरियत को बका के लिए जदोजहद करें, तो पाकिस्तान की इज्जत भी होगी और पाकिस्तान जिस तरह पहले मैं समझता हूँ कि 180 पे तरक्की की रफ्तार थी, आज 180 पे वापस आया, अपनी रफ्तार को दोबारा छुए गए। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब जब जेल जाएंगे तो दोनों भाइयों का नैरेटिव सेम हो जाएगा,
और बयानबाजी भी सेम आएगी, लेकिन परसों वाला बयान जो था वो उसी कंटिन्यूटी है, उसी बयानात की जो वो इमरानी मुआहदे की बात किया करते थे इलेक्शन से पहले भी। अब भी उन्होंने कहा कि एड जो मिलती है बाइड बैरूनी मुल्क से वो भी सफर सलार को मिलती है, और जिनको आप नवाज शरीफ साहब को मिलने जा रहे हैं वो फरमाते हैं मुझे क्यों निकाला। तो ये तो जेल में जाके भी नैरेटिव नहीं बदला। देखें जी, नैरेटिव दोनों का एक ही है, और ये आपको कोई यकीन होना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत जो है वो जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये किसी की लाई हुई उधार मांगी हुकूमत है। इसलिए उन्होंने कहा कि इनको किसी ने, इनके मैंडेट को किसी ने ओन नहीं किया। अगर आज इमदाद मिल रही है तो आर्मी चीफ को इसको बिल्कुल सही कहा। अच्छा, देखिए तहरीक इंसाफ ने जब कहा था कि इलेक्शन रिग्ड हुआ है तो उन्होंने आपकी ईंट से ईंट बजाई थी, ना सिर्फ ईंट से ईंट बजाई थी, धरने दिए, फिर नासिर मुल्क साहब के सरबराही में कमीशन बना और उन्होंने पूरी दुनिया में साबित किया था कि रिग्ड इलेक्शन है, साबित कर दिया था। अब मुझे ये बताएं कि आप अगर कहते हैं ये रिग्ड इलेक्शन है तो आपने साबित करने के लिए क्या अमल किया, अमली तौर पर क्या किया? बात यह है, पहली एक बात है कि जिस तरह लाया गया है अब आगे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कुछ डिलीवर करें, इनको कुछ टाइम दें, और वो टाइम बहुत 6 महीने में ये आप देख रहे हैं नंगे हो गए हैं। अगर हमारी ख्वाहिश है कि 2 साल दें कि ताकि ये लोगों के सामने इनके पास क्या है, बड़े बड़े नारे लगाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े इनकलाब की बातें करते थे, नए पाकिस्तान की बात करते थे, आज 6 महीने में जो इनकलाब नज़र आया, नया पाकिस्तान नज़र आया वो आपके सामने है और पाकिस्तानी अवाम देख रही है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि अवाम ही इनका मुहासबा करेगी। मिसकैलकुलेट अगर आपसे हो गया तो ये 10 साल हुकूमत करेंगे, वो नज़र समझ रहे हैं कि आ रहे हैं, नज़र आ रहा है, डिलीवरी से नज़र आ रहा है। ठीक है, हुकूमत को कुछ सरप्राइज दे सकता है? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, बहुत बेहतरी करेगा। लेकिन ये बहुत सारे आपने देखा कि कुर्बत करीब लाने में इदारों का बहुत हाथ है, जिन्होंने करप्शन के बहुत सारे मामला एक्सपोज किए जरदारी साहब के हवाले से, और मियां साहब तो पहले ही करप्शन चार्जेस पे जेल में है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं पहले मियां साहब से मुलाकात करके उसके बाद आपको कोई बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। रास्ते खोले ना, फिर पता लगेगा कि लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, रास्ते बंद करते हैं और बाद में कहते हैं जी आता कोई नहीं, आता कोई नहीं, रास्ते खोल के बताए ना। मियां साहब रुल गए, वर्कर आपके आपके वर्कर रुल गए सारे, मेहरबानी से ये रुलने वाली कोई नहीं सुनता। 35 साल हो गए मुस्लिम लीग के बीच शामिल हुए, हमारे साथ मुलाकात करें और हमें टाइम दें, हमें क्यों नहीं टाइम देते? पैगाम सुन ले, मैं दुआ करना नवाज शरीफ लगे, कैसे कहूँ मैं तुम्हें अलविदा, कैसे तुम्हें जुदा करूँ, नवाज शरीफ मिलने का वादा तुम करो, आने की दुआ मैं करूँ, मैं आने की दुआ करता रहूँगा। आप कितनी देर से मिलने आ रहे हैं और आपको मिलवाया नहीं जा रहा? जी बस सुबह उकाड़े उकाड़े चलना, हर तरीक में आ रहे हैं, ये हर तरीक में आते हैं। हम अपने कायद के लिए डेली सुबह सर्दी में हो, ठीक कायद के लिए इनको तो अंदर ले जाना भाईजान, पहले हम खुद नहीं जा रहे, पीछे से मेरी बात सुन रहे भाईजान, पीछे से इनकी जो खिदमत है 40-40 साल दी है ना, ये हर तरीक में आते हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे, जो बाहर से आते हैं एक तरीक में आते अंदर चले जाते हैं। नौजवान है, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अगर नौजवानों के साथ ऐसा होगा ना कोई नौकरी है। बाबे रोल देते तू सारे नौजवान, बाबा जी कह रहे हैं काड़े से आया सुबह से और यहाँ पे कोई वर्कर। हाँ जी, ये सूरत हाल है जी यहाँ, और यहाँ वर्कर्स जो है और वो वर्कर्स जिनको कवर नहीं करता मीडिया भी, कवर नहीं वो कहते हैं करता मीडिया भी, कवर नहीं करता, नहीं करता मीडिया कम में वर्कर करता है, जिनकी सलामता होती है उनके औरतों की तो वो कर लेता है, जो मेरे जैसी है वो तो पीछे रह जाए। मैं 20 साल से काम करी, मुझे कोई लाहौर में जानता ही नहीं है, और कोई MPA MLA टावन भी नहीं करते साथ हमारे, ये भी काम करने नहीं देते हमारे तो जाती है। हमजा साहब ने आपसे मुलाकात नहीं की ताकि लेके जा? नहीं हुई मेरी हमजा साहब, आसिया फरोज बीपी 160 से हूँ, सैफ साहब मेरे MPA थे और अब्दुल खोकर मेरे MNA है, आज तक मेरी हमजा को नहीं पता कि आसिया फरोज काम कर आप क्या कह रही बीपी 160 है। हमजा साहब से कि वो सारे वर्करों को साथ लेके चले, हमारी भी मुलाकात करवाए, हम मियां साहब के लिए देखते भागते आते हैं, हमें कम से कम लीडर तो मिले, हमें तो लीडर भी नहीं मिलते जिनके लिए हम एक मिनट मेरी बात सुन, जो नजरियाती लेडीज है, जो नजरियाती लेडीज है उनको नहीं आने देते, जो नजरियाती नहीं है वो उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करके कभी बेहोश होकर गिर जाती हैं, कभी वो मुंह से गलत अल्फाज निकालती हैं, प्री प्लानिंग एक दफा निकलता है, 2 दफा नहीं निकलता, नजरियाती जो कारकुन है उसका कभी नहीं निकलेगा अपने कायद के लिए इस तरह का वर्ल्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ पूरी दुनिया में फेमस होने के लिए। किसको पता है मैंने 20 साल मैंने काम किया है, किसको पता आसिया फरोज काम कर रही है, मियां साहब को आज तक नहीं बता के काम आपको पता है जी ये काम कर रही है 20 साल से, पूछे इनसे बताएं। हमारी बहुत पुरानी वर्कर है,
ये जितने भी यहाँ पर हमारे साथी खड़े हैं, आप इतने पावरफुल हैं, अपना हाथ साफ करके हाथ मिलाते हैं आप जब दादा साहब जलसा होता है, तो ये इन खवातीन की आवाज क्यों नहीं बनते आप? देखो हाथ मिला रहे हैं, हाथ नहीं साफ किया आपने, अपनी क्यादत से हाथ मिलाते हुए आप हाथ साफ करते हैं। हम नहीं मिला उठ जा बीबी तुम तो ले ला सारा बिल्डिंग ले ला बात ये है थे उदा लैन नहीं आए थे असि मियां साहब दी यकजहती वास्ते आए हां आंदे रहवांगे इंशाल्लाह मियां साहब दे नाल काम कीता और मुस्लिम लीग कीआ और ने ते जान भी निसार कर रही तो ओ भी साडी थोड़ी है मियां साहब दी मोहब्बत है सुनम के ये जाते हम नहीं मानते जुल्म मानते जुल्म हां ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है जुल्म के ये जाते हम नहीं मानते।